नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप मुझे देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स पर, और ये चैनल नंबर है 10। और हम इस पर अपना हाजिर हैं लेकर लाइव इंटरेक्टिव सेशन, जो कि साइंस का है। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब ये, इसके बारे में आप पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज ये उसका एक पार्ट है जो कि आगे हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या है। साइंस का सेशन है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। आप हेडमास्टर हैं डीपीएस साहिबाबाद में। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, इसकी पढ़ाई हम पहले कुछ कर चुके हैं। हाँ, और आज उसके आगे का कुछ पार्ट होगा। पिछले लास्ट हमारा एपिसोड था, उसमें हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा सा अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि जैसे हमने कुछ रेज के रूल्स भी बताए थे उनको कि कोई भी अगर एक रूल्स कैसे, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, वो क्या कहते हैं, हमने बच्चों को बताया था कि ये आपको देखना होगा कि अगर हमें इमेज बनानी है तो इमेज कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया था। आज हम उसी से थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे कि इमेज अगर बनती है तो एक रूल, बेसिक रूल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं आज फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ जाते समय। तो जैसे पहला हमारा जो रूल है, वो रूल हमारा था, हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। और अगर कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो स्ट्रेट निकल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कुछ करी थी, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा मिरर फार्मूला और सारे इमेजेस के फॉर्मेशंस एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे आकर के। ठीक है, तो अभी जैसे आपने कहा कि इन्फिनिटी के बारे में बताया और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पर अगर कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो आज आगे इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो कर्व सरफेस में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इसमें मिरर फार्मूला बताएंगे और कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन पॉइंट पे रखी हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो हम सारी चीज़ें आज इसमें हम देखेंगे। चलिए तो बताते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज और है। तो आप ये क्या डायग्राम बनाकर बताने वाले हैं बच्चों को? हाँ, मैं डायग्राम बना के भी बता देता हूँ जी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में हमने बताया कि आपको जो तीन रूल्स बताए थे उन्हीं रूल्स को आगे ध्यान में रखते हुए हम तीन क्या कहते हैं अलग, मतलब सिक्स टोटल। जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर में जो टोटल जो इमेजेस बनती हैं वो आपकी सिक्स इमेजेस बनती हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट के पॉइंट्स में इमेज बनेगी, हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइन कन्वेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और बच्चे मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें साइन कन्वेंशन क्या लेना चाहिए, कि यू पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए। तो एक पहले, सबसे पहले मैं एक टेबल आपको बना के दिखाता हूँ, तो सबसे पहले वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पर रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की। तो कुछ केसेस में, जैसे यहाँ पर हमारा रियल इमेज होता है, जैसे आप देख सकते हो ये टेबल मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे इसमें आप देखिए कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर को हमने आपसे पहले कहा कि कॉनकेव मिरर जो है दैट इज अ एक तरह का ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर जो है वो आपका रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। तो जैसे हम रियल की बात करते हैं और रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए आप लोग एक चीज सीधा सा आप ध्यान रखिएगा, आप सबने एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, तो कॉनकेव मिरर के पहले बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कॉनकेव मिरर है। अब इस मिरर में ऑब्जेक्ट अगर हम इस तरफ है रखी हुई है, और ये एरो रखें, ये एरो रखें, और ये एरो रखें, यहाँ पर आप कहते हो प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। तो इस केस में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज रखी जाएगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, दिस इज कॉल्ड पोल, और ऑल द ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम द पोल ओनली। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैं इस साइड पर कहता हूँ कि ये डिस्टेंस रखी मैंने,
तो ये डिस्टेंस जो भी मैं रखूंगा वो नेगेटिव साइन के साथ रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कहीं से इमेज इस साइड पे बनता है तो ये डिस्टेंस जो रखेंगे वो आप पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप यहाँ रखेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। तो ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो आपको यू वी और एफ, क्योंकि तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये पोल से लिया जाता है, दिस इज टेकन फ्रॉम द पोल। वी होता है इमेज डिस्टेंस और एफ होता है फोकल लेंथ। ये तीन चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो अब ये कैसी होती हैं, जैसे रियल इमेज की बात करें तो इन रियल इमेज यू कैन टेक कि यू नेगेटिव होता है, वी इज पॉजिटिव, सॉरी वी इज ऑल्सो नेगेटिव एंड एफ इज नेगेटिव। और जो इमेज बनती है उसकी मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आती है। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप रियल इमेज आराम से बना ले जाएंगे। और रियल इमेज जो है आपकी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर जब होगा तो इमेज हमेशा एक तो इन्वर्टेड आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इरेक्ट लिया हुआ है तो इन्वर्टेड इमेज होगी आपको दिखाई देगी। और क्या कहते हैं साइज जो होगा वो वेरी करेगा। साइज वेरी करने का मतलब कि अगर आप इन्फाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज आपकी पॉइंट साइज की भी बन सकती है, फिर थोड़ी बड़ी होगी, फिर थोड़ी बड़ी होगी, फिर थोड़ी बड़ी होगी, इस तरह से बनती चली जाएगी। तो और जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो यही कन्वेंशन फिर सारे बदल जाते हैं यहाँ पर आकर के। तो इसको तो अब जैसे मैं इसको आपको अपनी पीपीटी से भी दिखा सकता हूँ, इसमें दिखाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे, ये रूल्स हमने सारे करे थे। तो यहाँ पर एक एक केसेस हैं, यहाँ सब बना हुआ है। जैसे पहला केस है, आप देख सकते हो, फर्स्ट केस है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो यू कैन सी कि व्हेन रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी अल्टीमेटली इट कन्वर्जेस एट फोकस। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि फोकस पे आके सारी की सारी इमेज जो रेज हैं वो आके कलेक्टिव हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं यहाँ पर आकर के। तो ये, और मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने कहा था दो तरह की रेज हम लेते हैं, एक पैराएक्सियल और दूसरी आपकी मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज यहाँ पर हम नहीं देख रहे, यहाँ पर हम सिर्फ पैराएक्सियल रेज देख रहे हैं, एंड दीज पैराएक्सियल रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, तो नेचर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस में आता है कि आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, देन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज आल्सो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नेचर इज रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। जैसे आप देख सकते हो कि जब फोकस पे आएगी तो मैक्सिमम रेज एक जगह आके कलेक्ट हो रही है। तो डिमिनिश्ड वर्ड क्यों किया गया, हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस, तो क्योंकि मैक्सिमम सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रही है। देन द सेकेंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। व्हाट इज द सी, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा जो भी हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं उसका एक तरह से सेंटर होता है, और इसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से और पोल की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की, वो हमेशा 2f के इक्वल होती है। तो यहां पर जैसे आप देखिए रे डायग्राम, आप देखिए कि ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहां पर ए थोड़ा मिसिंग है, ए बी ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, और इसके बाद रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट मीट्स एट ए एंड बी जो सी और एफ के बीच में बन रही है। तो यहां पर इमेज कहा जाता है कि रियल होती है, इन्वर्टेड रियल इसलिए है क्योंकि हमें दिख रही है, ठीक है। और यहां पे मैंने रियल और वर्चुअल में एक डिफरेंस भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रियल एंड वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, कि जब भी कभी रियल इमेज होगी तो वो हमेशा क्या कहते हैं आपकी मतलब एक कहते नहीं है कि अपीयर टू मीट होती है, और एक होती है एक्चुअली मीट। तो एक्चुअली मीट जो होता है वो आपकी रियल इमेज बनाता है, और अपीयर टू मीट जो होता है दैट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पर आपका एक्चुअली रियल रेज जो है वो मीट कर रही है, सो दैट इमेज जो है आपकी यहाँ पर इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बियॉन्ड सी, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन सी एंड एफ। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट सी पर अगर आ जाए। ये टोटल 6 केसेस हैं बच्चों, ये रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं स्कूल्स में और आपसे पूछे भी जाते हैं। हर रे डायग्राम एक एक मार्क का होता है, तो आपसे मे बी 3 रे डायग्राम्स पूछे जाएं, आपसे हो सकता है 2 रे डायग्राम पूछे जाएं, देन उसके नेचर्स पूछे जाएं आपसे, तो ये सारा आता है आपके पास में। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि अब अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखी हुई है, तो इफ ऑब्जेक्ट एट सी तो देन इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी ओनली, तो दिस इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो आप एक चीज नोटिस करिए, अगर हम पहले पहला देखें, पहले पॉइंट था, फिर थोड़ी सी इमेज की साइज बढ़ी, अब आप अगर देखें यहां पर, देन थर्ड केस में साइज इक्वल हो गई ऑब्जेक्ट के। नाउ
अब अगर आप फोर्थ केस में जाएंगे कि फोर्थ केस में वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, देन यू कैन सी कि इमेज जो है वो आपकी कैसी बन रही है, एक तो बियॉन्ड सी और इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि अगर हम एज यू मूव टूवर्ड्स द मिरर तो इमेज जो होती है इमेज का साइज ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है जब तक आप फोकस पर नहीं पहुंचते, बट जैसे ही फोकस पर पहुंचते हो तो उसके बाद क्या कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, उसके बाद ये वर्चुअल इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे ये फोर्थ केस है, ये बच्चों सब आप ड्रॉ करिएगा अच्छे से, आप पहली बार जब ड्रॉ करेंगे श्योरिटी से कह सकता हूं कि पहली बार गलत करोगे क्योंकि कभी रेज कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, ठीक है, बट उसके बाद आपका जो है ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आप बिल्कुल एक्यूरेट बना पाओगे। नेक्स्ट है आपका जैसे ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो फोकस पे जब भी होगा तो इमेज आपकी इन्फानाइट पे बनेंगी जाकर के, सारी की सारी सारी इमेजेस आपकी इन्फानाइट पे होंगी। ये सब इमेजेस हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी हम कॉन्वेक्स की अलग बात करेंगे। नाउ लास्ट जो है इसका कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इज द ओनली केस व्हेन द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो इन दिस केस वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इरेक्ट होगा हमेशा, तो वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर, दिस इज द केस ओनली। तो ये आपका क्या कहते हैं सिक्स केसेस हैं। तो जैसे अब सिक्स केसेस में हम बात करते हैं इसमें, तो अब जैसे इसमें हमने सिक्स केसेस देखे, अब इसके कॉनकेव मिरर के यूजेस कहां पे, क्योंकि आप डेली लाइफ में बहुत जगह इसको देखते हो, जैसे आप देख सकते हो कि यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में आप देखते हो, आप क्या कहते हैं टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट सर्च लाइट हैंड टॉर्चेस टेबल लैम्प एसेट्रा, यूज इन सोलर पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यूज बाई डॉक्टर्स टू कंसेंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट लाइक ईयर्स एंड आई, यूज बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स, इवन इफ अ पार्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड। हाँ ये बहुत अच्छा पार्ट है, देखिए कभी भी अगर ऐसा नहीं होता, अगर मिरर को आप जो है अगर किसी पार्ट को आप ब्रेक कर देते हैं मिरर की, ठीक है, तो मिरर का अगर पार्ट आप ब्रेक करेंगे तो तब भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है जो इमेज बननी है वो हमेशा सेम वही बनेगी जो बननी है। लेकिन हाँ कभी आप नोटिस करिएगा कि एक मिरर है घर में और वो टूट गया, और टूटने के बाद आप उसको उठा के देखते हैं तो आपकी इमेज तो अब भी वही दिखती है जी, ऐसा है ना जी। तो इमेज तो अब भी आपको वही दिख रही होती है, तो ये तो है नहीं कि इमेज क्या कहते हैं बदल गई हो कि नहीं भाई इमेज अब आधी रह गई, इमेज अब पूरी नहीं है। तो इमेज जो है वो एक तरह से आधी नहीं है, अब भी पार्ट क्या है वहां पर कि जब आपने क्या कहते हैं मिरर पहले इतना साइज का था, अब आपने इतने साइज का कर दिया, तो रेज तो अब भी आ रही है, क्वालिटी ऑफ जो ब्राइटनेस है, हाँ हाँ जो ब्राइटनेस है वो ब्लर हो जाएगी। राइट, आप कभी देखो आप, अब हम लोग बार्बर शॉप में जाते हैं, हैं तो वहां पर क्या होता है हमारा फेस बहुत अच्छा चमकता हुआ नजर आता है, हाँ अच्छा खासा चमकता हुआ नजर आता है, बट जैसे हम घर में आते हैं फिर वही डल फेस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है, क्योंकि रीजन वही होता है कि वहां पर जो हमारा मिरर है और जो इवन जो लाइट है, लाइट होती है, क्योंकि लाइट जो है अभी जैसे मैं बैठा हूं यहां बड़ा चमक रहा हूं, बाहर जाऊंगा तो बेकार फेस हो जाएगा फिर से, ठीक है, तो क्योंकि लाइट आपको क्या पड़ रही है मैक्सिमम पड़ रही है यहां पर आकर के, जो जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा आपका इमेज जो है ब्राइट होती चली जाएगी। तो अगर मिरर टूटता भी है तो इमेज की ब्राइटनेस पर फर्क पड़ जाता है, रीजन होता है कि जो भी मिरर होते हैं जैसे अगर मिरर ऐसे है तो इनका इसका एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपर्चर, तो अपर्चर जो होता है अपर्चर अगर कम हो गया तो उसकी ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है, ठीक है, और इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, तो दिस इज द रीजन। तो इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि अगर मेरा मिरर टूटा हुआ मुझे स्कूल में दिया सर ने कि भाई ये मिरर पकड़ो इससे इमेज देखो, तो तुमने कहा सर ये तो इमेज मिरर टूटा हुआ है इसमें इमेज कैसे दिखाई देगी, इमेज आपको दिखाई देगी बट ये है कि आपकी जो ब्राइटनेस होगी वो ब्लर्ड हो जाएगी केस में। तो ये हमने यूजेस थे कॉनकेव मिरर के, तो कॉनकेव मिरर में अब भाई हम क्योंकि फार्मूला है तो फार्मूला हम जो है वो बाद में इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन तो आपके पार्ट में है नहीं, डेरिवेशन आप जा करके नेक्स्ट उसमें पढ़िएगा जा करके। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जब आप देखते हो तो आप इसके भी केसेस हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, जब आप देख लीजिए पहले तो डिफरेंस देखिए दोनों मिरर में, एक मिरर में केव बना हुआ है दूसरे में कॉन्वेक्स, ठीक है ना, तो जो केव बना है वो कॉनकेव है और उसमें जिसमें अदर साइड पे पॉलिश है वो आपका कॉन्वेक्स है। तो जैसे आपने यहां देखा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज अब भी इसकी फोकस पे बन रही है, लेकिन अब जरा इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन है, ये appear to meet है, extended lines हैं, तो ये आपको appear to meet है, तो appear to meet होने का मतलब हो गया कि इस केस में जो
रे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि है ना, हाँ रियल नहीं है यहाँ पर। तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज जो है उसका हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। और अगर हम इस दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरा केस आप कहीं पे भी ले सकते हैं, दूसरे केस में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, तो ये हमेशा आपका इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्टिव रहेगा। और जो इमेज बनेगी वो हमेशा, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ये गाड़ी होती है, तो गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जनरली, उसमें हाँ लिखा भी ऑब्जेक्ट्स अपीयर, ठीक है। तो जितना दूर है उतना दूर दिख नहीं रहा है हमें, मतलब उससे नजदीक में दिख रहा है, राइट। तो ये हमें दिखाता है कि जो कहीं पे भी रखा होगा, इसीलिए यहाँ पे केस लिया गया है कि ऑब्जेक्ट एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब हमने जैसे अगर हम पीछे के पार्ट में बात करें तो कॉनकेव मिरर में सिचुएशन फिक्स थी कि भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट सी पर है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एकदम केस डिफरेंट है कॉन्वेक्स मिरर में कि ऑब्जेक्ट एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, ओके। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा इसकी इमेज जो है वो आपकी नेचर जो होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा और साइज बहुत छोटा होगा और पोजिशन जो होगी दैट इज पी एंड जो इमेज की है दैट इज पी एंड एफ इन फोकस और पोल के बीच में इसकी इमेज बनेगी, राइट। ये होती है इसमें आकर के, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास में जैसे कुछ यूजेस हैं, तो यूजेस आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर, जैसा भी हमने बोला है कि व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, दस कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर देन एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर, राइट, ठीक है। तो दिस इज द यूजेस, यहाँ पर आप बात करते हैं, ये साइन कन्वेंशन है जैसा अभी मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो आप इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कोई भी आप इसमें कंफ्यूज होने का, अब क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि बच्चे जो है कहते हैं कि सर हमने रेज ली लेफ्ट टू राइट या हमने रेज लिया राइट टू लेफ्ट, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट लेता हूँ या राइट टू लेफ्ट लेता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में अब इमेज जो जा रही है, जो इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो सर हमने उसको पॉजिटिव ले लिया, उसको नेगेटिव ले लिया, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं सोचना, आप सिंपल सा अपना साइन कन्वेंशन लीजिए, मतलब आप ए पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव एक्सेस लीजिए, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में भी बताया आपको, उसी को ध्यान रख करके करिए। देखिए जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ, जहाँ लिखा है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो मिलते ही वहां पर है जा करके, कन्वर्ज होता है कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड पे, सारी अगर आपने रेज देखी होंगी सारी रेज आपकी कन्वर्ज होती है लेफ्ट साइड पर, और कॉन्वेक्स मिरर में सारी रेज राइट साइड पे होती है, इसलिए उसका फोकस पॉजिटिव है, इसका फोकस नेगेटिव है। अब ऊपर आप कॉनकेव मिरर में देख सकते हैं नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड पे होंगे वो सारे नेगेटिव लिए जाएंगे और जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके राइट साइड में है सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन का मैं नहीं समझता हूं कि इसमें होना चाहिए, अगर इसको बस सीधा सीधा देखे समझ लें, हाँ कि सीधा सीधा देखें कि हाँ भाई अगर मैंने कहा कि मेरी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कॉनकेव मिरर में रखी हुई है तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, क्लियर है, क्योंकि वो किधर रखी है लेफ्ट साइड पर रखी हुई है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखी है, ठीक है, ठीक है। अगर इमेज उसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनती है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो नेगेटिव है, इस तरह से। तो ये इसका साइन कन्वेंशन का है, आप बताएं कुछ। अब इसके आगे एक तो ये कि जो जैसे हमने पार्ट वन में पढ़ा कि कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें और कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज है, डेली लाइफ के भी आपने एग्जांपल्स दिए, तो जब अब चूंकि हम लर्निंग बाय डूइंग भी कर रहे हैं, एनईपी भी ये कह रही है, तो इस तरीके की क्लासेस में एक्टिविटीज क्या करवा सकते हैं? एक्टिविटी देखिए सबसे पहले जैसे हम अपने क्लास में मिरर ले जा सकते हैं, मिरर ले जा करके आप क्या कहते हैं मिरर ले जाइए, और बच्चों को एक कैंडल से भी करा सकते हैं या सिंपल सा एक निडल कोई भी ले लीजिए और उसे कहिए कि इसको सिंपल मिरर को रखो और निडल को रखो और उसमें चेंजेस को देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो आपको क्या भाई जो हमने पढ़ाया क्या वो सही पढ़ा रहे थे, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करो ना, एक्सपेरिमेंट से आप उसको सीखो, मैं नहीं कहता कि मैंने जो पढ़ाया वो देख लो, तुम इसको देख करके समझ लो, राइट राइट, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट एक तरह से गेम भी होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जो है एंट्रीज नोट डाउन करेंगे और सबके ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट कर दे भाई। अगर मैं आपसे मैं देखिए एक तो सबसे पहले हर कोई भी चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो उसकी अपनी एक रफ फोकल लेंथ निकाली जाती है, ठीक है, और रफ फोकल लेंथ निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप जो है जैसे लाइट मान लीजिए इस समय इधर से आ रही है तो मैं यहाँ रखूंगा मिरर को, ठीक है, और इसको मैं कोई भी रजिस्टर ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए उसको ऐसे रख दूंगा, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा कि इससे जो रेज पड़ेंगी वो यहां आकर के फोकस होंगी आकर के, ठीक है, और आपको एक शार्प इमेज दिखाएगा। तो जिस एंड पर वो शार्प इमेज दिखा रहा होगा, सबसे पहला काम हमेशा ये होना चाहिए, जब भी बच्चों को मिरर दे, लेंस दे, सबसे पहले रफ फोकल लेंथ निकाले उसकी। उस पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है कि जैसे लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहां ये नहीं, ये हमारा रेज आ रही कहीं से भी आ रही, अब हो सकता है रेज आपकी टकरा के कहीं से भी आ रही हो, इस विंडो से आ रही हो, इस पंखे, मुझे मुझे इसकी इमेज दिखाई दे रही हो, कैमरे की दिखाई दे रही हो, मुझे किसी ना किसी की इमेज यहां दिखाई देगी, लेकिन वो इमेज शार्प होनी चाहिए। हाँ, वो यानी कि उसको आगे मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ, एक पेपर पे बना रहा होगी, हाँ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ शार्प, शार्प होगी, हाँ बिल्कुल शार्प दिखेगी। तो वहां से आप इसका नोटिस करिए, डिस्टेंस दोनों के बीच का, वो उसका क्या कहते हैं आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फोकस एफ, ठीक है, कि इतनी रफ फोकल लेंथ आ गई कि भाई हो सकता है 15 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो, दिस इज 20 सेंटीमीटर हो, जो भी हो वो उसकी रफ फोकस। तो अब बच्चों को ये पता चल गया कि फोकस हमारा ये है। अब फोकस अगर ये है तो कॉनकेव मिरर में हमने जैसे एक केस पढ़ा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमें पहला दिमाग में ध्यान में रखना होगा कि एफ एंड पी के बीच में नहीं जाना है, क्योंकि वो इमेज दिखाई नहीं देगी आपको, दिखाई नहीं देगी आपको, तो आपको एफ एंड पी पे नहीं जाना है, यानी अब आपको एफ से बियॉन्ड रहना है। यानी अगर आपने रफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर निकाली है तो 18 के अंदर नहीं जाना हमने। अब मिरर मैंने अपना रख दिया इस तरह स्टैंड पे, अब मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, राइट, और मैं देखूंगा कि कहां पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप नोट कर जैसे सकते रफ हैं। हमने फोकल जो लेंथ निकाली वो 18 थी, तो हम एक 15 की एंट्री लिखें, नहीं 15 की नहीं लिखें, 15 की लिखें तो वर्चुअल दिखाई देगी, हमें आगे जाना आप, लेकिन देना चाहिए क्योंकि 15 भी लेना चाहिए, देखें ना निडल कहां गायब हो गई, वो फिर मुझे लग रहा है जो एक्सटेंडेड लाइन जो है वो भी वर्चुअल लाइन है, वर्चुअल को ड्रॉ करके देखेंगे कहां जा रही है, कि वो एक्चुअली देखिए वो तो अब मेरी इमेज है, वो हमें दिखाई देगी नहीं, तो ठीक है हम ये कर सकते हैं कि हमारी निडल हमको कहीं जो इमेज देखिए क्या होता है, अगर आप निडल देखोगे तो दो निडल ऐसे दिखेंगे, इमेज ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ठीक है। अब वो इमेज जो दिखाई दे रही होगी तो हो सकता है दूसरी वाली जो है वो आपको दिखाई ना दे, तो इसका इमेज निडल है ही नहीं वहां पर, राइट, तो इसलिए आपको क्या कहते हैं अगर आप फोकस के अंदर आ गए तो आपको दूर भागना पड़ेगा, तो दूर भागे वैसे वैसे आपको इमेज दिखाई देती जाएगी। तो एक छोटा सा ये ले सकते हैं। दूसरा जैसे लेंस के लिए हम बात करेंगे अभी आगे के सेशन में कि लेंस जब हम लेते हैं तो लेंस के लिए तो हम सबने बचपन में कोई प्रैक्टिकल करें, पेपर जलाएं सबने, है ना, पेपर जलाएं तो फोकस करके पेपर जला लेते थे, तो वो वही है कि रेस सारी इकट्ठी, हाँ हाँ रेस सारी इकट्ठी हो रही है, तो आपको ये अब आप सोचो आप उसको थोड़ा अभी आपके चश्मे में ही है, आप इसमें चश्मे में भी लेंस लगा हुआ है, आप कभी लाइट पीछे से आ रही हो, आप चश्मा ऐसे उसको रोड पे ऐसे दिखा दीजिए, आपकी इमेज देखो उसमें दिखाई देगी आपको, क्लियर दिखाई देगी, कि आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है, आप उसको आगे पीछे करके देखो चेंज हो जाएगा, हर जगह दिखता है, तो हर जगह आप जहां से जहां भी ऑब्जर्व करोगे वहां आपको मिल जाएगा वहां जाकर के। प्रशांत जी, ये जो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस हमारा चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो गया है, मिरर के लिए हो गया, लेकिन मिरर में हम इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स में बच्चों को मैं यही कहूंगा कि एक ही सिंपल फॉर्मूला है और जो साइन कन्वेंशन है उनको ये यूज करके 1/v + 1/u = 1/f सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले को यूज करके इसमें मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये जैसे फॉर्मूला यूज टू स्फेरिकल मिरर, तो F इक्वल टू R बाई टू है, और ये एक फॉर्मूला है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो इस फॉर्मूले को यूज करके बच्चे और साइन कन्वेंशन को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर फोकल, बस ये चीज याद रखना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की नेगेटिव पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव, और V और U डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, और वो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि आप कैसे उसको करेंगे। ये मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका है, यहाँ से ये आपके बियॉन्ड सिलेबस में है, इसको हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी होंगी, तो ये आपका यहाँ से खत्म होता है। लेंस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, जब भी होगा लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हम कह सकते हैं कि अभी ये जो सरफेस वाला जो चैप्टर था, मतलब पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये खत्म हो गया, तो आप जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है जैसे आपने यहाँ पर लिखे भी हुए, एक बार हम स्क्रीन पर ये प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और बच्चों से ये कहते हैं कि जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है उन्हें ध्यान रखें। हाँ, जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव, बी पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, मैं बार बार ये बोल रहा था, जब आपको नेगेटिव है ना, बाकी नेगेटिव आएगा जब बाकी अदर केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, रेडियस नेगेटिव, इसका रेडियस का कर्वेचर नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू ऑलवेज नेगेटिव बट वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और F जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, और R पॉजिटिव हो जाएगा, इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड,
चलिए, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे लग रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। और आप जितने भी बच्चों ने आज का ये हमारा चैप्टर देखा है, पार्ट टू मैं इसे कहूँगा, इसका पार्ट वन भी देखिएगा, जो शुरू में रिकैप हुआ था उसका पूरा एक विस्तृत हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ज़रूर देखिएगा। दोनों को एक साथ देखिएगा, पार्ट वन पार्ट टू, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। और फिर हमें आप बताइएगा कि यदि कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई शंका हो, तो ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in, और इस पर यदि कोई ऐसी मेल आती है तो मैं ज़रूर आपको फॉरवर्ड करूँगा, ताकि आप उसे चेक करेंगे और अपने बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स जो है उन्हें आप अटेंड करेंगे। प्रशांत सर, आप यहाँ तक आए, आपने ये आज हमें रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का टॉपिक खत्म किया, मैं कहूँगा नॉट चैप्टर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा ये सत्र आज जो है यहीं समाप्त होता है। हम अभी थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं अगला सेशन लेकर, कक्षा दसवीं का ही संस्कृत का ये है हमारा चैप्टर, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे। देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल। नमस्कार।